अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा, आज हम 9th क्लास चैप्टर 3 बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बायो का मतलब जो है वो ज़िंदगी है। बायो, इसके बारे में हमने 9th क्लास में पढ़ा चैप्टर 1 के अंदर, बायो का मतलब ज़िंदगी। अब ज़िंदगी के बारे में हमने पढ़ा, अब हमें डाइवर्सिटी के बारे में पता होना चाहिए कि डाइवर्सिटी क्या है। डाइवर्सिटी जो है मुख्तलिफ जानदार जो हैं उनकी इकसाम, नवा और मुख्तलिफ जो हैं के अंदर पाए जाते हैं उनके बारे का जो इल्म होता है उसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी के बारे में अगर हम मज़ीद बात करें तो मुख्तलिफ जो जानदार हैं ज़मीन पर पाए जाते हैं जिसके अंदर एनिमल भी आ जाते हैं, प्लांट्स भी आ जाते हैं। अब साइंसदान जो हैं अगर वो देखें उन्होंने पूरी ज़मीन के ऊपर कितने जानदार पाए जाते हैं तो वो कहते हैं तकरीबन 10 मिलियन जो हैं वो जानदार ज़मीन पर पाए जाते हैं। लेकिन उनमें से जो सिर्फ़ और सिर्फ 1/3 जो है उसके बारे में जो हैं ये साइंसदान जानते हैं। अब हम अगर मज़ीद बात करें तो आपको पता है कि जानदार अगर ज़मीन पर रहते हैं तो उनमें एनिमल भी आ जाते हैं, प्लांट्स भी आ जाते हैं। अगर हम एनिमल के बारे में स्टडी करते हैं तो वो हमारे पास जो है वो क्या कहलाता है जी, वो हमारे पास फाना कहलाता है। क्या कहलाता है जी? फाना, ठीक है जी। अगर हम प्लांट्स के बारे में बात करते हैं तो प्लांट्स जो हैं उसको हम फ्लोरा कहते हैं। क्लियर? अगर अब ऐसे ही है, अब आपको पता है कि जानदार जिस तरह ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों पर पाए जाते हैं तो ज़मीन जो है उसका टम्परेचर के लिहाज से भी अगर हम देखें तो कुछ इलाके जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्या आ जाते हैं, मुख्तलिफ जो इलाके हैं वो आ जाते हैं ट्रॉपिक्स आ जाते हैं। उनके अंदर भी जो जानदार हैं वो तकरीबन इतने ज़्यादा नहीं पाए जाते, कम तादाद में पाए जाते हैं। ऐसे ही अगर हम मज़ीद अगर देखें तो इसके अंदर कुछ जो इलाके आ जाते हैं वो आ जाते हैं टेम्परेट आ जाते हैं, ठीक है जी। टेम्परेट जो हैं इनको हम कहते हैं मोतदल। क्या कहते हैं जी? मोतदल कहते हैं, तकरीबन मोतदल भी कहेंगे हम, या हम कह सकते हैं कि बिल्कुल जो है ना उसका जो टेम्परेचर होता है ना ठंडा होता है ना गर्म होता है, बिल्कुल दरमियाना से होता है। अब इसी तरीके से अगर हम देखें तो कुछ आ जाते हैं हमारे पास पोलर आ जाते हैं। पोलर इलाके जो होते हैं वो ठंडे होते हैं, ठीक है जी। अब अगर हम देखें ज़िंदगी को देखते हैं, मेंटेन करना देखते हैं, तो उसके अंदर ना तो हमारे पास ज़्यादा जो लाइफ है वो ठंडे इलाकों में पाई जाती है और ना ही गर्म इलाकों में, क्योंकि ये एक ज़िंदगी गुजारने का असूल है। तो इस वजह से हम जो ज़्यादा ज़िंदगी है वो मोतदल इलाकों में पाई जाती है। इतनी बात क्लियर है जी। अब हम देखते हैं इसके इम्पोर्टेंस के बारे में। अगर हम इम्पोर्टेंस के बारे में बात करें तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो हर चीज़, क्योंकि अल्लाह ताला ने पैदा की है तो हर चीज़ जो है वो अपनी अहमियत रखती है। ऐसे ही बायोडाइवर्सिटी जो है, बायोडाइवर्सिटी के अंदर जो अगर देखें हम जानवर हैं तो जानवरों से हम खुराक भी हासिल करते हैं। अगर हम पौधों के बारे में बात करें तो पौधे जो हैं वो हमें मुख्तलिफ तरह के फाइबर्स देते हैं। ऐसे ही मुख्तलिफ जो पौधे हैं उनमें से हम रेजन्स हासिल करते हैं। ऐसे ही आपको पता है जिस तरह ये बच्चे आपकी बुक है, अगर हम बुक के बारे में बात करें तो आपको पता है ये बुक का जो आपका पेपर है वो भी दरख्त से ही हासिल किया जाता है। ऐसे ही गाड़ी के टायर हैं उनके जो रबर हैं वो भी हम दरख्त से हासिल करते हैं। ऐसे ही गम्स हैं वो भी हम पौधों से ही हासिल करते हैं। ये तो हमारे पास इसकी इम्पोर्टेंस आ गई, ठीक है जी। उसके अंदर इम्पोर्टेंस के अंदर अगर हम बात करें रबर, ठीक है जी, रबर आ गई, उसके बाद गम्स, फूड, ये जो हैं ETC, ये हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं ये हम दरख्तों से या मुख्तलिफ जानदारों से, बायोडाइवर्सिटी से हासिल करते हैं। ऐसे अगर देखें तो इसका हमारी ज़िंदगी के अंदर रोल क्या है, बायोडाइवर्सिटी का रोल क्या है, रोल जो है उसमें अगर बात करें तो ये हमारी जो है जो एनवायरनमेंट है उसकी जो इकोसिस्टम जो है बेसिकली जो हमारा इकोसिस्टम है वो भी जो है
ये प्लांट्स जो हैं ये हमारे जो है बायोडाइवर्सिटी जो है इसको मेंटेन करते हैं, इस तरह माहौल की केमिस्ट्री जो है, जिस तरह हमारे हवा आबोहवा के अंदर जिस तरह आ जाती है, ऑक्सीजन आती है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है, नाइट्रोजन वगैरह जो है, ये पौधे जो हैं यही हमारी जो है बायोडाइवर्सिटी, ये जो इन्वायरमेंट है इसको मेंटेन करती है, और मेंटेन करने के बाद हमारा माहौल जो है वो साफ करते हैं। तो अजीज़ तलबा, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ चुकी होगी। तो लिहाजा अगर आपने किसी से इसके बारे में मज़ीद कोई क्वेश्चन करना होगा तो आप लोग जो हैं ये इस नंबर पर रابطہ कर सकते हैं। थैंक यू।